अगर माननीय कांशीराम साहब नहीं होते तो शायद आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई नहीं जानता। होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम, होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम। बोलो भाई कांशीराम कांशीराम, होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम। 15 मार्च को एक मसीहा जब धरती पर आया, आर्यों के वंशजों का तब से इंद्रासन हिल गया। हम मूल निवासी की संख्या 85, साहेब का दिया हुआ ही नाम है। जोश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम, होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम। रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक पद पर काम किए। 14 अप्रैल की छुट्टी ना मिली तो मनुवादियों से लड़ने की ठान ली। अध्ययन किए बाबा साहेब का, शोषितों के सबसे बड़े नायक का। 1971 में आखिर समाज के लिए छोड़ दिए नौकरी। SC ST OBC माइनॉरिटी हित के लिए संस्था खोली तगड़ी। सामाजिक संगठन बाम से बनाया, पूरे देश में जागरूकता फैलाया। अंबेडकर की लहर है जो सब उनका ही परिणाम है। जोश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम, होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम। बाबा साहब के बाद बहुजन समाज के हित और अधिकार के लिए किसी ने काम किया तो उसका नाम कांशीराम है। BSP का गठन किए मान्यवर, 1984 के सन में बहुजनों को मिल गया राजनैतिक दल। आजाद भारत के ही समय में सांसद विधायक बनने लगे सब, सड़क से संसद पहुंचने लगे सब। कर्ण किए जो भी उसको निभाए, अविवाहित जीवन देखो बिताए। घर न गए परिवार के पास कभी, पूरा जीवन संघर्ष में लगाए। 9 अक्टूबर को डूब गया सूर्य, बौद्ध रीत में संस्कार हुआ पूर्ण। नेता नहीं वो शोषितों के दाता समान है। जोश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम, होश में बोलो भाई कांशीराम कांशीराम।